कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों के आंखों का दुश्मन बनने वाला ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस का पहला मामला रांची में सामने आ गया है। खबरों के मुताबिक रांची के मेडिका अस्पताल में एक मरीज की जान बचाने के लिए मरीज की आंखें निकालनी पड़ी हैं। दरअसल रामगढ़ के 38 साल के एक युवक में ये फंगस पाया गया है। वो युवक 2 हफ्ते पहले कोरोना से ठीक हुआ। संक्रमण से बचाने के लिए उसे हाई स्टेरॉइड दिया गया था। ब्लैक फंगस आंखों तक पहुंच चुका था, अब ये दिमाग में फैलने वाला था। ऐसे में मेडिका अस्पताल में ऑपरेशन करके मरीज की जान बचाई गई, हालांकि मरीज की आंख निकालनी पड़ी। आइए जानते हैं क्या है ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करती है और डायबिटीज के मरीजों या बेहद कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए जानलेवा है। फंगस के नाक में जाने के बाद कुछ इस तरह के लक्षण सामने आ सकते हैं। नाक की अंदरूनी दीवारों पर सूखापन, नाक के अंदर काले और भूरे रंग की पपड़ियां जमना, नाक का बंद होना शुरू हो जाना, ऊपर वाले होंठ और गालों का सुन होना, आंखों में सूजन आना, आंखों का लाल होना। बता दें कि इसके इलाज के लिए एंटीफंगल इंजेक्शन की जरूरत होती है। फिलहाल रामगढ़ के मरीज को भी एंटीफंगल इंजेक्शन लगाया गया है, जिसकी एक खुराक की कीमत 3500 रुपये है। ये इंजेक्शन 8 हफ्तों तक हर रोज देना पड़ता है। वहीं इस बीमारी की एकमात्र दवा ये इंजेक्शन ही है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।